यस डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। तो बेटा पेडिग्री एनालिसिस चैप्टर नंबर 5th जो अपना है बायो का 12th क्लास का, उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस। तो पेडिग्री एनालिसिस देखिए क्या है। देखिए कुछ एनालिसिस होते हैं जेनेटिक ट्रेड्स के कारण होते हैं, सेवरल जनरेशन जो फैमिली की है उसको सिंबलाइज करने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं कंट्रोल क्रॉसेस जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, तो एक फैमिली हिस्ट्री को जानने के लिए हम क्या तरीका अपनाते हैं, पेडिग्री एनालिसिस का एक तरीका अपनाते हैं। तो आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक के ऊपर अपने घर की जो पेडिग्री है, फैमिली जो हिस्ट्री है आपकी, पेडिग्री के थ्रू बना सकते हैं। देखिए आप एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले एक फैमिली जो ट्री होता है तो उसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन जो शो की है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पूरा एक रिप्रेजेंटेशन है वो एक फैमिली ट्री है, तो इसी को हम कहते हैं पेडिग्री। ह्यूमन जेनेटिक्स में जो हम पेडिग्री की स्टडी करते हैं, यूटिलाइजेशन जो है एक इनहेरिटेंस का एक स्पेसिफिक ट्रेट का एबनॉर्मलिटी को जानने के लिए, डिजीज़ को जानने के लिए एक फैमिली चार्ट ड्रॉ करते हैं, उसे हम कहते हैं पेडिग्री। देखिए अब जितने भी ये सिंबल्स बने हुए हैं तो सिंबल्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, सबसे पहले देखिए मेल के लिए हम स्पेसिफाई करते हैं एक स्क्वायर को, इस तरह से हम स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं। फीमेल जो होती है वो एक सर्कल से ड्रॉ किया जाता है। सेक्स अनस्पेसिफाइड हो तो कुछ इस तरह से रोम्बस शेप होती है ये। अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल हो तो ये शेडेड बना दिया जाता है, अफेक्टेड देख सकते हैं आप, ये अफेक्टेड है, इसको शेडेड कर दिया है, मेल अफेक्टेड है ये, ये फीमेल अफेक्टेड है, ये रोम्बस शेप है, तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है, ये डिजीज्ड इंडिविजुअल है। अगर मेटिंग केस है, मैरिज के बाद मेटिंग केस है तो ये क्या है, देखिए इस तरह से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगर कॉन्सिक्वेंसेस मैरिज है, यानी कि रिलेटिव्स के बीच में मैरिज होती है, उसको हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से इसमें दो लाइंस होती हैं, पेरेंट्स को और किस तरह से चाइल्ड को हम दिखाते हैं। मान लीजिए फादर मदर जो है, मदर एंड दिस इज़ फादर। अब मान लीजिए इनके दो बच्चे हैं, एक दोनों डॉटर्स ही हैं, देखिए इस तरह से दिखाया मैंने। अब मान लीजिए इनकी मैरिज हुई और मैरिज होने के बाद क्या है, इसके भी दो चाइल्ड हैं, कुछ इस तरह से एक लड़का है एक लड़की है, तो इस तरह से स्पेसिफाई किया है, डॉटर है ये सन है इसका। मान लीजिए इसकी मैरिज के बाद जो है कुछ इस तरह से है, मान लीजिए इसका जो है दो बॉयज़ हैं, तो इस तरह से हम दिखा देते हैं इसको, इस तरह से दिखाते हैं। तो एक फैमिली चार्ट होता है, इसको आप ड्रॉ कीजिए, बहुत ईजी होता है ये समझना। इसके बाद मान लीजिए फीमेल जो है, पेरेंट्स जो हैं अबव एंड चाइल्ड जो है वो बिलो प्रेजेंट है। पेरेंट्स अगर अफेक्टेड मेल चाइल्ड है तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, 5 अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं ऑफस्प्रिंग है तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 5 देखिए अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग नंबर डाल देते हैं, 5th जो चाइल्ड है वो अनअफेक्टेड है, तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी है ये, तो पेडिग्री एनालिसिस कहते हैं इसको। नेक्स्ट इसके बाद देख सकते हैं आप पेडिग्री एनालिसिस क्या हेल्प करती है। एक तो डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में बताती है कि वेदर ट्रेड जो है डोमिनेंट है या रिसेसिव है। पेडिग्री एनालिसिस से हम समझ सकते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेड है, जैसे कि माइटोनिक डिस्ट्रॉफी है। इसके बाद जो है पेडिग्री एनालिसिस जो है ऑटोसोमल, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया यहाँ देख सकते हैं हम, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि किस तरह से पेडिग्री को शो किया गया है। ये पेडिग्री एनालिसिस दिखाया हुआ है यहाँ पर मिस्टोनिक डिस्ट्रॉफी और सिकल सेल अनीमिया के लिए। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट को दिखाया हुआ है। देखिए जो डोमिनेंट ट्रेट होती है वो हर फैमिली के अंदर दिखेगा, जो डिसऑर्डर होगा। देखिए ये अफेक्टेड है,
यहाँ से देखिए ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, ठीक है, इसकी जो फैमिली है इसमें भी अफेक्टेड नहीं, हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई क्या है अफेक्टेड है, लेकिन रिसेसिव जो होगा इसके अंदर एक जनरेशन को हमेशा क्या करेगा, ये स्किप करेगा। देखिए यहाँ पर अफेक्टेड नहीं है ना, यहाँ पर इस जनरेशन के अंदर ये अफेक्टेड है, ये अफेक्टेड है, बट इनकी मैरिज नहीं है। यहाँ पर देखिए ये अफेक्टेड नहीं है, इसकी भी शादी जो है अनअफेक्टेड से हुई है। अब इसका जो सन प्रोड्यूस हुआ है वो क्या है, अफेक्टेड है। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स को हम रिसेसिव ट्रेट कहते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है पेडिग्री जो एनालिसिस है उसके में है, क्वीन विक्टोरिया का एग्जांपल कहा जाता है। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो कैरियर थी हीमोफीलिया की, तो उसकी जो फैमिली थी वो पूरी की पूरी पेडिग्री के अंदर हम शो कर सकते हैं। इसके अंदर हीमोफीलिया जो होता है सेक्स डिजीज्ड होता है, ये सेक्स लिंक डिजीज होती है, तो जितनी भी इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये जितने भी हीमोफीलिक डिसेंडेंट्स हैं इसके उनमें अफेक्टेड हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। देखिए नॉर्मल फीमेल को यहाँ इस तरह से, फीमेल को इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है। कैरियर, कैरियर का मतलब होता है कि कैरी करती है जीन बट डिजीज नहीं है ये। और मेल हमेशा क्या होता है, हीमोफीलिक जो है, यानी कि अगर मेल प्रोड्यूस होगा तो वो क्या होगा, डिजीज ही होगा। तो कुछ आप देख सकते हैं इसके अंदर, देखिए ये पूरा एनालिसिस दिखा रखा है, क्वीन विक्टोरिया कैरियर थी, इसके बाद इनकी जो जनरेशन आई है उसमें भी क्या है, ये डिजीज़ हुआ है। फीमेल जितनी भी थी वो कैरियर हुई है, कैरियर का मतलब होता है जीन तो कैरी करती हैं बट डिजीज़ नहीं है। यहाँ चल के देखिए यहाँ पर ये बी बॉय हुआ इनका, ये बी बॉय, ये सारे क्या है, अफेक्टेड है। जितने भी इसकी फैमिली के अंदर जितने भी बॉयज़ थे वो सारे क्या थे, अफेक्टेड थी, और फीमेल क्या थी, सारी की सारी कैरियर थी, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो अब देखिए कैरियर क्या होता है, और नॉर्मल, देखिए नॉर्मल में तो डिजीज़ नहीं है, कैरियर फीमेल होती है, कैसे, एक्स एक्स होता है, अगर इसके अंदर डिजीज्ड है तो दोनों के ऊपर क्या होगा, एच जीन प्रेजेंट होगा दोनों क्रोमोसोम पे। लेकिन अगर कैरियर है तो सिर्फ एक के ऊपर होगा, आइदर इसके ऊपर हो सकता है या फिर पहले वाले क्रोमोसोम पे हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम कैरियर। यानी कि ये जीन तो कैरी करती है बट ये डिजीज नहीं होती है, तो फीमेल हमेशा क्या हो सकती है, कह सकते हैं हम कि डिजीज़ भी होती है और कैरियर भी, लेकिन मेजॉरिटी केस होता है कि ये कैरियर ही होती है। लेकिन जो मेल होता है उसके अंदर क्रोमोसोम एक्स तो एक ही है, वाई ये सेक्स डिटरमाइन करता है, अगर इसके ऊपर जीन होगा तो ये तो हमेशा क्या होगा, डिजीज, कैरियर हो ही नहीं सकता मेल। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पर कि मेल जो होते हैं वो कैरियर नहीं होते बट फीमेल कैरियर होती है, मेल हमेशा क्या रहते हैं, डिजीज रहते हैं, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि मेल में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है लेकिन फीमेल्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण वो या तो कैरियर हो सकती हैं या फिर डिजीज़ हो सकती हैं। डिजीज होंगी तो दोनों के ऊपर चाहिए इसको जीन, अदरवाइज़ क्या, कैरियर होगी तो इसके ऊपर सिंगल पे भी प्रेजेंट हो सकता है, और मेल जो होता है वो क्या होता है, हमेशा डिजीज ही होगा, इसके ऊपर कोई जीन प्रेजेंट नहीं हो सकता, हीमोफीलिया अगर सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स हैं तो। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा पेडिग्री एनालिसिस को। चलिए तो ये वीडियो देखिए आप और अपना टॉपिक कंप्लीट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक कमेंट कीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।